माइंडफुल मोमेंट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष बहल, फाउंडर ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट एंड माइंडफुल साइंस सेंटर। कई बार ये फियर और एंग्जाइटी हमारे जीवन को पूरी तरह काबू कर लेती है। हमारी खाने, सोने, कंसंट्रेट, ट्रैवल और लाइफ को इंजॉय करने की शक्ति ऑलमोस्ट छीन लेती है। यहाँ तक कि हमारा घर से निकलना, स्कूल जाना या ऑफिस जाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। को एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे आप अपने फियर और अपनी एंग्जाइटी को काबू कर सकते हैं। एक ऐसी जगह देखें जहाँ आप थोड़ी देर डिस्टर्ब ना हो, या आप बैठ जाएं या आप लेट भी सकते हैं। सीधा बैठें और अपने बैक को इरेक्ट रखें और एक डीप ब्रेथ लें और धीरे से उसे जाने दें। अब एक अगला ब्रेथ लें और ऑब्जर्व करें आपकी नाक से आने वाली हवा को जो अंदर जा रही है, और अब उस हवा को अपनी छाती और अपने पेट में महसूस करें। हमारा पहला स्टेप रहेगा अवेयरनेस का। अब धीरे से अपनी अवेयरनेस अपने उन थॉट्स पे ले जाएं, उन विचारों पे ले जाएं जो अभी आपको आ रहे हैं। ये कौन से विचार हैं जो आपको डर पैदा कर रहे हैं? ये क्या विचार हैं जो आपके जीवन में हलचल मचा रहे हैं? बहुत आसान है उन विचारों से जुड़ जाना और उन फीलिंग्स को महसूस करना। ध्यान रखें, ये सिंपली एक विचार है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये किसी सच्चाई पे बेस नहीं, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। अब ध्यान धीरे से अपनी ब्रेथ की ओर ले जाएं। आपका डर नहीं है, बट आप खाली एक अवेयरनेस हैं उस डर को जो महसूस कर रही है। हमारा अगला स्टेप है उस फियर को आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ से पैदा हो रहा है, और ये देखना कि आप एक्चुअली किस चीज से डर रहे हैं। उस पिक्चर पे अपना ध्यान ले जाएं जो आपके दिमाग में चल रही है और फियरफुल सिचुएशन पैदा कर रही है। क्या घट रहा है उसमें? आप रियली किस चीज से डर रहे हैं? से ऑब्जर्व करें, और अब ऑब्जर्व करें अपनी इनर स्पेस को। क्या हो रहा है उस इनर स्पेस में? क्या आप अभी भी डर रहे हैं? अब थोड़ी जिज्ञासा पैदा करें, क्यूरियोसिटी देखें। इसमें कोई हार्म नहीं है कि हम उस डर को इन्वेस्टिगेट करें और क्यूरियसली देखें कि क्या ये डर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और ये कौन से थॉट्स हैं जो इस डर को पैदा कर रहे हैं। इसको ऑब्जर्व करें और महसूस करें कि आप डर कहाँ पे फील कर रहे हैं और आप उस डर को कैसे रिएक्ट करेंगे। और धीरे से अपनी अटेंशन दोबारा प्रेजेंट मोमेंट में ले आएं। अब ध्यान दें कि क्या कारण है, क्या मिसिंग है, आप क्या लैक कर रहे हैं कि आपका डर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान रखें, चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं, और आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें, जस्ट ऑब्जर्व करें, महसूस करें। डर खाली डर है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपकी इमेजिनेशन है जो उसे उत्पन्न कर रही है और उसको डरावना बना रही है। अब अपने आप को तैयार करें एक्शन लेने के लिए। एक ब्रेथ लें और महसूस करें उस डर को, और अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। महसूस करें कि आपका डर आपसे वीक हो रहा है। जब आप महसूस करेंगे, डर अपने आप वीक हो जाएगा। आप में वो क्षमता है, स्ट्रेंथ है
और एक्शन लेने की अपने डर के खिलाफ। अब रियलाइज करें कि रियलिटी उतनी बुरी नहीं है जितनी आप इमेजिन कर रहे हैं। एक गहरी सांस लें और अपने बॉडी में होने वाली सेंसेशन को महसूस करें, अपने शरीर की और अपने ब्रेथ से कनेक्ट होके आप सिंपली उस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ सकते हैं। आपकी ब्रेथ आपको फ्री कर सकती है आपकी इमेजिनेशन से, उस कंपल्सिव थिंकिंग से, उस फियर से और उस डर से जो लगातार आपको भ्रमित कर रहा है। ये ब्रेथ की एक्सरसाइज मैंने सबसे लास्ट में रखी है क्योंकि ये बहुत पावरफुल तरीका है अपने डर से लड़ने का। अगली बार जब भी आपको डर और एंग्जाइटी बिल्ट अप हो इनसाइड, आपको लगे कि मेरे अंदर ये डर पैदा हो रहा है, इस एक्सरसाइज को करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये डर कम हो रहा है। सिचुएशंस ही रहेंगी पर ये एक्सरसाइज आपको मदद करेगी आपको रिलैक्स करने में, काम करने में, ताकि आप उस सिचुएशन को फेस करें खुले दिमाग से साथ और एक काम बिहेवियर के साथ। मुझे लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। ऐसी और एक्सरसाइजेस के लिए और गाइडेड प्रोग्राम्स के लिए mindfulnessciencecenter.com पे कनेक्ट करें और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर सोशल मीडिया एंड यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टाइम टेक माइंडफुल मोमेंट, इनहेल, एक्सहेल एंड स्माइल, बी हैप्पी एंड बी वेल। दिस इज योर होस्ट एंड फ्रेंड मनीष बहल साइनिंग ऑफ। बाय।